हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल टॉपिक सेफ्टी डिवाइसेस। सेफ्टी डिवाइसेस क्या होता है कि जो पेशेंट की सेफ्टी के लिए, उसको हार्म से बचाने के लिए यूज किए जाएं। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं अपन रीस्ट्रेंट के बारे में। रीस्ट्रेंट आर फिजिकल, केमिकल एंड एनवायरमेंटल मेजर्स यूज टू कंट्रोल द फिजिकल और बिहेवियरल एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन और ए पोर्शन ऑफ हिज और हर बॉडी। मतलब रीस्ट्रेंट क्या होता है? रीस्ट्रेंट एक फिजिकल, केमिकल और एनवायरमेंटल मेजर्स होता है जिसके थ्रू किसी पर्सन की फिजिकल या बिहेवियरल एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है और साथ ही साथ उसके किसी बॉडी पार्ट को भी कंट्रोल करने के लिए रीस्ट्रेंट का यूज किया जाता है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। चिल्ड्रन में नीड टू बी रीस्ट्रेंट फॉर सम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स और ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड समटाइम्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरी। इसमें क्या होता है कि रीस्ट्रेंट मेनली तो सभी पेशेंट में यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली बच्चों में यूज किया जाता है क्योंकि बच्चों में ओवर एक्टिविटी के कारण या फिर बच्चे जल्दी डर जाते हैं, एंग्जियस हो जाते हैं या फिर किसी भी प्रोसीजर को करने जाएं तो वो भागने की कोशिश करते हैं। इस वजह से उनमें रीस्ट्रेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उनके किसी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते समय या फिर थेरेप्यूटिक प्रोसीजर करते समय या फिर उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते टाइम उनको किसी भी इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए रीस्ट्रेंट का यूज किया जाता है। एन एप्रोप्रिएट, सेफ एंड कंफर्टेबल रीस्ट्रेंट शुड बी सिलेक्टेड। द रीस्ट्रेंट मे बी प्रोवाइडेड मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस। ठीक है, रीस्ट्रेंट ऐसे डिवाइस होते हैं जो सेफ और कंफर्टेबल होने चाहिए। ठीक है, और साथ साथ उनको जो रीस्ट्रेंट में भी प्रोवाइडेड मैन्युअली प्रोवाइड किए जाते हैं रीस्ट्रेंट, और उसके साथ में कुछ डिवाइसेस की और हेल्प भी ली जाती है। ठीक है, और मेनली रीस्ट्रेंट जो होता है वो बच्चों में या फिर जो एंजियस पेशेंट होते हैं या हाइपर एक्टिविटी वाले पेशेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट में जो अगर कोई कोऑपरेट ना करे ट्रीटमेंट के साथ में, तो ऐसे पेशेंट में रीस्ट्रेंट का यूज किया जाता है। पर्पस क्या है रीस्ट्रेंट के? टू कैरी आउट द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन को कैरी आउट करना। टू प्रोवाइड द सेफ्टी टू चिल्ड्रन, बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड करना। ठीक है, बच्चों को इंजरी से बचाना और डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को कंप्लीट करना और पोजिशन को मेंटेन करना। ठीक है, पेशेंट को कोई पोजीशन दी हुई है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी रीस्ट्रेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर किसी पेशेंट में कोई टेस्ट वगैरह या फिर कोई प्रोसीजर करना है तो उसमें डिस्कम्फर्ट होना हो, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं कुछ जनरल प्रिंसिपल्स फॉर यूज ऑफ रीस्ट्रेंट। यूज बी सिलेक्टेड टू रिड्यूस क्लाइंट मूवमेंट ओनली एज मच एज नेसेसरी। मतलब इनका रीस्ट्रेंट का यूज कब करना चाहिए? जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो तभी इसका यूज करना चाहिए फॉर रिड्यूस क्लाइंट मूवमेंट्स, है ना। पेशेंट के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करना चाहिए। और उसके बाद में क्या होता है कि जो रीस्ट्रेंट यूज किया जाता है पेशेंट में, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए रीस्ट्रेंट के बारे में कि कौन सा रीस्ट्रेंट आपको लगाएंगे या फिर उसका रीज़न क्या है लगाने का। ठीक है, और उसके बाद में रीस्ट्रेंट ऐसा होना चाहिए जो ट्रीटमेंट के साथ में इंटरफेयर ना करें। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट देने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और अगर बोनी प्रोमिनेंस पे अगर रीस्ट्रेंट अप्लाई करना है तो वहाँ पे वो अच्छे से पहले पैडेड करना चाहिए उसको, ताकि इंजरी से प्रिवेंशन हो सके। और ऑलवेज सेफ एंड एप्रोप्रिएट रीस्ट्रेंट, और हमेशा सेफ और एप्रोप्रिएट रीस्ट्रेंट का ही यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि भाई बच्चों में बड़ों के रीस्ट्रेंट यूज में नहीं आ सकते और बड़ों में
बच्चों के रिस्टेंट यूज़ नहीं किए जा सकते, तो उनके लिए प्रॉपर रिस्टेंट का यूज़ करना चाहिए। और साथ ही रिस्टेंट को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, जो कि बॉडी के नॉर्मल सर्कुलेशन में इंटरफेयर पैदा कर दे, ठीक है। और जो अगर बच्चों में रिस्टेंट लगाना है तो बच्चे की किसी डोल पर उस रिस्टेंट को लगा के उसके बच्चों को दिखा के दिखाना चाहिए, ताकि वो प्रिपेयर हो सके उस रिस्टेंट लगाने के लिए, और मतलब वो घबराए नहीं, डरे नहीं बच्चा। और ऑलवेज मेंटेन कम्फर्ट टू द चाइल्ड एंड मेंटेन बॉडी अलाइनमेंट, ठीक है। और हमेशा बच्चों के या पेशेंट के कंफर्टेबल को मेंटेन करना चाहिए, और उसके बॉडी के अलाइनमेंट को भी मेंटेन करके रखना चाहिए। भाई रिस्टेंट कभी ऐसे नहीं लगाना चाहिए कि जिससे कि बॉडी अलाइनमेंट बिगड़ जाए। शुड बी चेंज व्हेन दे बिकम सोइल्ड, मतलब रिस्टेंट को तभी चेंज करना चाहिए जब वो गीला हो जाए, सोइल्ड हो जाए या डंप हो जाए, ठीक है। और क्या है प्रिंसिपल इसके, रिस्टेंट पे ज़्यादा टाइट नोट नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि ऐसा नोट लगाना चाहिए कि वो जल्दी से उसको निकाला जा सके डिवाइस को। और ऐसा रिस्टेंट ऐसा लगाना चाहिए जो कि पेशेंट की रीच में ना हो, मतलब पेशेंट उसको खोल ना सके, है ना, पेशेंट उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सके रिस्टेंट के साथ में। और ये साइड रेल्स के साथ में अटैच नहीं करना चाहिए रिस्टेंट को, बेड के फ्रेम के साथ में अटैच करना चाहिए। और जब रिस्टेंट अप्लाई किया हुआ हो उस समय बच्चे के या जो भी पेशेंट है उसको प्रेस, जो बेड सोर होता है, प्रेशर सोर होता है, उनसे प्रिवेंशन के लिए उनको टाइम टू टाइम उनकी साइड चेंज करनी चाहिए, उनकी पोजीशनिंग चेंज करनी चाहिए, ठीक है। अगर एक ही पोजीशन में पेशेंट रहेगा तो उसके बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं। और रिस्टेंट को हर 20 से 30 मिनट में ऑब्जर्व करना चाहिए फॉर प्रिवेंट एनी कॉम्प्लिकेशन। और रिस्टेंट को एवरी 2 आवर में रिमूव करना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2 आवर में उसको रिमूव करना ही चाहिए, ठीक है। और उसके रिस्टेंट के रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग प्रॉपरली करनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या करना चाहिए कि अब देखते हैं इसके, वो बाद में बताऊंगी, अब देखते हैं पहले इसके टाइप्स ऑफ रिस्टेंट, कौन कौन से रिस्टेंट होते हैं। 3 types ऑफ रिस्टेंट होते हैं, पहला फिजिकल रिस्टेंट, सेकंड केमिकल रिस्टेंट एंड थर्ड इन्वायरमेंटल रिस्टेंट। तो जो फर्स्ट फिजिकल रिस्टेंट होता है उसमें क्या होता है कि उसके थ्रू बॉडी की, पेशेंट की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है, उसके बॉडी पे कुछ ऐसे डिवाइस लगा के ताकि वो मूवमेंट नहीं कर सके, ठीक है, और ट्रीटमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सके, ठीक है। जैसे कि टेबल फिक्स टू ए चेयर और ए बेड रेल्स दैट कैन नॉट बी ओपन्ड बाय क्लाइंट। और केमिकल रिस्टेंट में क्या होता है कि कुछ साइको एक्टिव मेडिसिंस का यूज करके पेशेंट के बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, और वो मेडिसिन उसके इलनेस को ट्रीट नहीं करेगी, केवल उसके मूवमेंट्स और या फिर बिहेवियर को कंट्रोल करेगी पेशेंट के। देन थर्ड देखते हैं इन्वायरमेंटल रिस्टेंट। इन्वायरमेंटल रिस्टेंट में मतलब क्या देखते हैं अपन, कैसे इन्वायरमेंटल रिस्टेंट करते हैं कि इन्वायरमेंट, पेशेंट के सराउंडिंग ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके या फिर क्लाइंट की मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल रिस्टेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। मम्मी रिस्टेंट, एल्बो एंड नी रिस्टेंट, एक्सट्रीमिटी रिस्टेंट, एब्डोमिनल रिस्टेंट, जैकेट रिस्टेंट, मिटन और फिंगर रिस्टेंट, क्रिब नेट रिस्टेंट, सेफ्टी बेल्ट एंड साइड रेल्स एंड स्प्लिंट्स। पहले देखते हैं मम्मी रिस्टेंट। इट इज अ शॉर्ट टाइप ऑफ रिस्टेंट यूज्ड फॉर इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट
ऑफ हेड नेक एंड फेस। मम्मी रिस्टेंट इसको मेनली छोटे बच्चों में ही यूज़ करते हैं, इन्फेंट्स या स्मॉल चिल्ड्रन में ही इसका यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट। मेनली जब उनका कोई हेड या नेक या फेस का कोई ट्रीटमेंट हो रहा हो या एग्जामिनेशन हो रहा हो, उस समय मम्मी रिस्टेंट का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि नेक के जो नीचे वाला जो बॉडी पार्ट होते हैं सब वो इमोबिलाइज किए जाते हैं बेबी के। और जैसे कि क्या क्या प्रोसीजर करते समय मम्मी रिस्टेंट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्कार्प वेन पंचर या ईयर एग्जामिनेशन एंड आई इरीगेशन या गैस्ट्रिक लावेज के टाइम पे, ठीक है। और सेकेंड है एल्बो एंड नी रिस्टेंट। द रिस्टेंट यूज फॉर प्रिवेंट फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो एंड टू हेल्प द एल्बो टू एन एक्सटेंडेड पोजिशन सो दैट द इन्फेंट कैन नॉट रीच द फेस एंड आई। मतलब इसमें भी अगर कोई फेस अगर मतलब ट्रीटमेंट के टाइम पे या मतलब हम चाहते हैं कि बच्चे का हाथ या पेशेंट का हाथ में हेड या फेस पे नहीं आए, उसके लिए एल्बो या फिर नी पे रिस्टेंट का यूज़ किया जाता है, ताकि उसके हैंड्स हैं वो हैंड्स और वो हैंड्स भी उसके फ्लेक्शन पोजीशन में उसका जो हैंड्स है वो फ्लेक्शन में नहीं हो पाएंगे और एक्सटेंडेड पोजीशन में ही रहेंगे, ठीक है। और ऐसे ही नी पे भी रिस्टेंट किया जाता है, ठीक है। तो नी पे रिस्टेंट करने पे जो वो जो पैर है वो घुटने से मोड़ नहीं पाएगा बच्चा, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक एल्बो रिस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं, एल्बो कफ का या फिर वेल पैडेड वुडन स्प्लिंट का भी यूज इसमें किया जा सकता है, ठीक है। और एल्बो रिस्टेंट का यूज़ किस में करते हैं, केस ऑफ फेस एंड हेड सर्जरीज में। देन है एक्सट्रीमिटी रिस्टेंट। एक्सट्रीमिटी इट इज यूज टू इमोबिलाइज वन और मोर एक्सट्रीमिटीज, एक या ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज के इमोबिलाइजेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। वन टाइप ऑफ एक्सट्रीमिटी रिस्टेंट इज क्लैव हिच रिस्टेंट विच इज डन विद गोज बैंडेज स्ट्रिप्ड 2 इंच वाइड मेकिंग फिंगर ऑफ इट। मतलब एक एक्सट्रीमिटीज का एक टाइप होता है जैसे कि क्लो हिच रिस्टेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि एक गोज बैंडेज की स्ट्रिप का ये बना होता है जो 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और इसको फिगर ऑफ एट की हेल्प फिगर ऑफ एट बना के इसको रिस्टेंट किया जाता है, पेशेंट पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और इसके जो एंड होता है वो बेड के साथ में टाई कर दिया जाता है ना, बेड के साथ में बांध दिया जाता है इसके एंड को। और दिस रिस्टेंट शुड बी यूज विद पैडिंग ऑफ रिस्ट एंड एंकल, ठीक है। जब ये जो रिस्टेंट अप्लाई करेंगे उससे पहले रिस्ट या फिर एंकल जहाँ भी उसको अप्लाई करेंगे वहाँ पे पहले पैडिंग करेंगे अच्छे से वहाँ पे, या तो कॉटन का यूज़ करके या फिर किसी भी ऐसे पैड का यूज़ करके ना उस पर, उसके बाद में उसको रिस्टेंट को अप्लाई किया जाता है ताकि ज़्यादा मतलब इंजरी ना हो, है ना। और प्रिकॉशन टू बी टेकन प्रिवेंट टाइटनिंग ऑफ द बैंडेज, ठीक है। और बैंडेज को ज़्यादा टाइटली नहीं अप्लाई करना चाहिए जिससे कि कुछ इंजरी वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। देन एब्डोमिनल रिस्टेंट। एब्डोमिनल रिस्टेंट हेल्प टू इन्फेंट टू सुपाइन पोजिशन ऑन बेड। एब्डोमिनल रिस्टेंट के थ्रू क्या होता है कि जो बच्चे का या फिर किसी भी पेशेंट में को सुपाइन पोजीशन में रखने के लिए इसको यूज किया जा सकता है, या फिर सिटिंग पोजीशन मतलब एक जो फिक्स पोजीशन होती है उसमें इसको मतलब रखने के लिए एब्डोमिनल रिस्टेंट का यूज किया जाता है। इसमें एक इस रिस्टेंट में क्या होता है कि एक जो एक वुलन स्ट्रिप होती है, एक चौड़ी मतलब वाइड वुडन वुलन स्ट्रिप होती है वेल पैडेड, है ना, उसका यूज करके ना इसको रिस्टेंट किया जाता है। और उसके बाद में जैकेट रिस्टेंट। जैकेट रिस्टेंट में क्या होता है, एक एक जैकेट टाइप में एक सॉफ्ट या लेदर जैकेट का यूज किया जाता है जिसके पीछे लेसेस होते हैं, ठीक है, और उसके साथ में 2 लॉन्ग स्ट्रिप भी होती हैं, तो वो पेशेंट को पहनाने के बाद में
उसको लेसेस को टाई कर दिया जाता है और जो लॉन्ग स्ट्रिप स्ट्रिप्स होती हैं उनको बेड के साथ में या चेयर के साथ में या मैट्रेस के साथ में किसी के साथ में भी उसको फिक्स कर दिया जाता है ताकि उसकी जो सुपाइन पोजीशन है वो बनी रहे, या फिर जो अगर सीटिंग में है तो उस वो भी पोजीशन उसकी बनी रहेगी, जिससे कि ये जैकेट रिस्टैंड क्यों यूज करते हैं कि जिससे कि जो बच्चा है वो साइड रेल्स के ऊपर से या फिर बेड के या चेयर के ऊपर से मतलब नीचे ना गिर सके। मिटन और फिंगर रिस्टैंड, मिटन या फिंगर रिस्टैंड इन्फेंट टू प्रिवेंट सेल्फ इंजरी, मतलब इसका यूज करके सेल्फ इंजरी से बचाया जा सकता है पेशेंट को। हैंड इन कॉज बर्न, फेशियल इंजरी और ऑपरेशन, मतलब कोई ऐसी डिजीज कंडीशन होती है पेशेंट की, जैसे कोई बर्न हुआ या फेशियल इंजरी है या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है ना, या फिर एग्जाइमा ऑन फेस और बॉडी है, तो ऐसी कंडीशन में मिटल या फिंगर रिस्टैंड, क्योंकि वो अपने हाथों से अपनी उंगलियों से मतलब उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है अपने फेस को, इस वजह से इस मिटन रिस्टैंड का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे के हैंड को अच्छे से गोज या फिर कोई लिटिल बैग पुटिंग ओवर द बॉडी हैंड एंड टाई, मतलब किसी गोज या पैड या फिर मतलब कॉटन से उसको अच्छे से बच्चे के हैंड को कवर कर दिया जाता है। देन क्रीप नेट रिस्टैंड, द नेट इज यूज टू कवर द चाइल्ड कॉट, मतलब इसमें क्या होता है जो बच्चे का बेड होता है उसको नेट की हेल्प से कवर कर दिया जाता है, ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जो नेट है उसको, दिस नेट रिस्टैंड टू यूज प्रिवेंट द चिल्ड्रन क्लाइंबिंग ओवर द साइड रेल्स ऑफ कॉट, है ना, जिससे क्या होता है कि जो बच्चा है वो बेड के नीचे नहीं, मतलब वो छलांग नहीं लगा सकता बेड के ऊपर से, ना कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बेड में टिकते नहीं है, तो उनके लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इनसाइड द क्रीब नेट द चाइल्ड, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि चाइल्ड है ना वो फ्रीली मूव कर सकता है, अच्छे से इधर उधर बेड पे घूम सकता है, लेकिन वो बेड के बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद में साइड रेल्स एंड स्प्लिंट, साइड रेल्स बेड के दोनों तरफ लगाई जाती है साइड रेल्स टू प्रिवेंट पेशेंट फॉल, एंड स्प्लिंट्स का यूज मेनली फ्रैक्चर्स में किया जाता है टू इमोबिलाइज द एक्सट्रीमिटीज। ये है सेफ्टी बेल्ट्स, सेफ्टी बेल्ट्स का यूज भी पेशेंट को गिरने से बचाने के लिए किया जाता है, ताकि पेशेंट मतलब या तो व्हीलचेयर से हो या फिर ट्रॉली के थ्रू पेशेंट को इधर उधर ले जाया जाए, तो उसमें सेफ्टी बेल्ट लगाने से क्या पेशेंट गिरेगा नहीं ना? और पेशेंट की सेफ्टी रहेगी। देन देखते हैं रीस्टैंड की गाइडलाइंस क्या क्या है। गाइडलाइंस में डॉक्टर ऑर्डर, इसमें क्या होता है कि रीस्टैंड लगाने के लिए डॉक्टर्स के ऑर्डर नेसेसरी होते हैं, बिना डॉक्टर के ऑर्डर रीस्टैंड नहीं लगाया जाता। इन्फॉर्म कंसेंट, मतलब रीस्टैंड लगाने से पहले कंसेंट लिया जाता है पेशेंट से, अगर पेशेंट अगर स्मॉल चिल्ड्रन है या अनकॉन्शियस है वैसे कुछ अगर है तो उसके गार्जियन से कंसेंट लिए जाते हैं। फॉलो प्रॉपर टेक्निक, इसको लगाते टाइम प्रॉपर टेक्निक का यूज किया जाता है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव, मतलब इसका रेस्ट्रिक्टिव कम रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव भी नहीं होना चाहिए रिस्टेंट। पैड बोनी प्रोमिनेंस, बोनी प्रोमिनेंस पे पैडिंग अप्लाई होनी चाहिए। मेंटेन गुड बॉडी अलाइनमेंट, मतलब बॉडी का अलाइनमेंट अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। मॉनिटर ए पेशेंट इन रीस्टेंट एवरी 15 मिनट, मतलब पेशेंट को हर 15 मिनट में क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, साइन ऑफ इंजरी, किसी इंजरी के साइन को देखने के लिए, ठीक है, या फिर सर्कुलेशन एंड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, कंफर्ट एंड रेडीनेस फॉर डिसकंटिन्यू और रेस्ट्रिक्शन। देन अब अपना नेक्स्ट जो सेफ्टी डिवाइस है वो है ट्रेपेज़ीज। ट्रेपेज़ीज क्या होता है, यूज टू गेटिंग अप इन अ बेड फॉर सपोर्ट, यू मे नीड एन ओवरहेड ट्रेपेज़ीज टू हेल्प योरसेल्फ मूव इन बेड इफ यू आर वीक इंजर्ड एंड कैन नॉट मूव इजीली। मतलब इसमें क्या होता है कि
पेशेंट होते हैं ना जो अपने आप उठ नहीं सकते, उनके लिए ये रेफ्यूजीज का यूज किया जाता है कि ये सपोर्ट के रूप में होता है जो पेशेंट को बेड से उठने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब जिस समय कोई पेशेंट अगर वीक है या इंजर्ड है या फिर अपने आप मूव नहीं कर पा रहा है या फिर जिसके लेग्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर कास्ट अप्लाई किया हुआ है लेग्स में, ऐसे कंडीशन में ट्रेपेजीज का यूज करके वो उसकी सपोर्ट से वो उठ सकता है। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें फिगर में बेड के पीछे की तरफ अप्लाई होता है, ठीक है, पेशेंट के हेड के ऊपर, जिससे वो हाथों से पकड़ के और प्रेशर से वो अपने आप को थोड़ा सा उठा सकता है। सेकेंड नेक्स्ट अपना जो सेफ्टी डिवाइस है वो है एयर वे। मैंने पेशेंट एयर वे इज एट रिस्क फॉर बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड और इज ऑब्स्ट्रक्टेड एन एयर आर्टिफिशियल एयर वे इज इंसर्टेड टू मेंटेन एयर वे। मतलब ये एक आर्टिफिशियल एयर वेज होते हैं ना, जो मतलब किसी पेशेंट में अगर उसका किसी पेशेंट का एयर वे ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है ना, तो उस ऐसे पेशेंट में ये आर्टिफिशियल एयर वे अप्लाई करके उसके एयर वे को मेंटेन किया जाता है और ये अलग अलग साइजेस में आते हैं। एंड साइड रेल्स हेल्प टू इंक्रीज ए पेशेंट मोबिलिटी और स्टेबिलिटी व्हेन इन बेड और मूविंग फ्रॉम बेड टू व्हील चेयर। साइड रेल्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट फॉल फ्रॉम बेड। ऑलवेज एंश्योर द लेच सिक्योरिटी द बेड रेल्स आर स्टेबल। मतलब ये साइड रेल्स क्या होती है, पेशेंट वो बेड के दोनों तरफ इनका ये लगी होती है बेड के, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट वो बेड पे एक तो अच्छे से मोबिलिटी कर सकता है ना, अच्छे से इधर उधर हिल सकता है, करवट ले सकता है ना, और अच्छे से मतलब वो मूवमेंट कर सकता है बेड पे, है ना। और उसके बाद में दूसरा है कि साइड रेल्स के थ्रू हम पेशेंट को गिरने से भी बचा सकते हैं, ठीक है, ये इसका मेन यूज होता है कि पेशेंट को गिरने से बचाता है साइड रेल्स। ओके, थैंक यू।